फ्रेंड्स नमस्कार। ये हमारी एक एक्टिविटी और थी, चलो इसको अलग से करा देते हैं फ्रेंड्स। तो इस एक्टिविटी में क्या है फ्रेंड्स, रीड द पोएम एंड फॉलो इन इट इन योर लाइफ। हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, क्विकली वी रीड। थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट वंस गोन नेवर कम बैक। तीन चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो एक बार चली जाती हैं तो कभी वापस नहीं आती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। अब टाइम कैसे चला जाता है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जो समय हमारा बीत गया वो कभी वापस नहीं आता है फ्रेंड्स, हमारा बचपन कभी वापस आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो टाइम बीत गया, मान लो हम क्लास वन में कभी रहे होंगे तो क्लास वन हमारे कभी आ ही नहीं सकती हैं, भले ही वहाँ पे बैठ जाएं लेकिन वो क्लास को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उस तरह से जो वर्ड्स हमने बोल दिए किसी को तो वर्ड्स भी हमारे वापस नहीं आएंगे, और जो अपॉर्चुनिटी हमें कभी मिलती है वो अपॉर्चुनिटी भी हमारी दोबारा नहीं आती है। कैसी अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स, सपोज़ करो हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया तो हाफ ईयरली में हमने जो मार्क्स गेन किए हैं फ्रेंड्स, मान लो हमने सेकंड डिवीज़न के मार्क्स गेन किए तो दोबारा हम उन मार्क्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं फ्रेंड्स। मौका है ठीक है थोड़ा सा इम्प्रूव करने का, लेकिन सपोज़ करो अगर हमारे हाफ ईयरली में सेकंड डिवीज़न रहती है और उसमें एनुअल एग्ज़ाम में हमारा फर्स्ट डिवीज़न रहती है, दोनों को मिला करके हमारी सेकंड डिवीज़न आ जाएगी फ्रेंड्स। तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी थी एक जो हमने खो दी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, तो अवसर हमने खो दिया फ्रेंड्स, मौका ठीक है। उसके बाद आती है फ्रेंड्स थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट, और तीन चीज़ें होती हैं जीवन में जो कभी भी नहीं खोनी चाहिए, कभी खो नहीं सकती हैं ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पीस है, शांति है, होप है, उम्मीद है और ऑनेस्टी है, ये हमें कभी भी खोनी नहीं चाहिए। शांति अगर हमें हमारी खो गई तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने उम्मीद छोड़ दी ठीक है, कभी उम्मीद ना छोड़े फ्रेंड्स, अगर हमने उम्मीद छोड़ दी तो हम भी जीवन नहीं जी पाएंगे, हमारा जीवन तब भी दूभर हो जाएगा। इसी तरह से ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी हमारे बड़े बड़े काम करा देती है और हमारी पहचान बनाती है, इसलिए ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है, होप का मतलब उम्मीद होता है और पीस का मतलब शांति। तो ये तीनों चीज़ें हमें कभी खोनी नहीं चाहिए, लॉस्ट का मतलब खोने से होता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आती है थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल। तीन चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, सबसे ज़्यादा कीमती होती हैं फ्रेंड्स, लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। तीन चीज़ें कौन सी होती है, एक तो लव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि प्रेम, हम प्रेम से कोई भी काम करा सकते हैं। अगर हम प्यार से बात करते हैं अपने बड़ों के साथ या अपने ऑफिसर्स के साथ या हम अपने टीचर्स के साथ प्यार से बात करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझाएंगे ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास, ये एक बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ी की है हमारे लिए। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हम कुछ भी कर जाएंगे। हमने अगर ठान लिया कि हम इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे, वो आत्मविश्वास हमने बना लिया तो वो हमारा उस चैप्टर को बिल्कुल क्लियर करा देगा। एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार जो काम हम अपने आप नहीं कर पाते तो वो काम हमारे फ्रेंड्स करवा देते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स भी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो आप लोगों को फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोल रहा हूँ बार बार, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।